अभी तो शुरू किया है, अभी तो ऐलान किया है, वो भी आ जाएंगे, जनता निकालेगी, जनता के बीच में से कोई सीएम बनेगा। मैं भी, मेरे को कौन जानता था ब्रजेश जी, थोड़े दिन पहले तक जी इस देश में कौन जानता था कौन केजरीवाल है। पिछले 7-8 साल के अंदर ही लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने विश्वास दिया, और लोगों में से मेरे तो दादा, पड़दादा, बाप दादा कोई कभी राजनीति में आए नहीं, हम लोग तो कभी चुनाव लड़े ही नहीं, जी तो जनता ही बनाएगी अपने नेता। अच्छा, एक सवाल और जब है पुराने नेता लोगों को धोखा देने लगते हैं, जी। जब पुरानी पार्टियां लोगों के साथ चोरी करने लगती है, जब पुरानी पार्टियां और पुराने नेताओं पे से लोगों का भरोसा उठ जाता है, तो लोगों के अंदर से नेतृत्व निकलता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि आप लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं, उस पार्टी से जीत रहे हैं जिसको कोई हरा नहीं पाता है। भारतीय जनता पार्टी को आप हरा के लगातार दिल्ली में चुनाव जीत रहे हैं, और सामान्य नहीं, बहुत मैसिव लैंडस्लाइड विक्ट्री की दूसरे के लिए जगह नहीं मिलती है, उनके नेताओं को भागना पड़ता है। तो लेकिन उसके बावजूद इस देश में आपको विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता नहीं है, कांग्रेस ही लार्जेस्ट अपोजिशन है। तो अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजनीति में वो स्थान, वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है, अफसोस होता है आपको इस बात पे? अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, अरविंद केजरीवाल रहे ना रहे इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी रहे ना रहे इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है, भारत इंपॉर्टेंट है। तो अगर देश की बात करें तो आज राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कंप्लीट वैक्यूम है, पक्ष का भी वैक्यूम है, विपक्ष का भी वैक्यूम है। अभी राजस्थान के अंदर आप देखिए क्या हुआ, ब्रजेश जी चाइना हमारे दरवाजे पे खड़ा है और हमें धमकियां दे रहा है, चाइना के साथ इतनी टेंशन बनी हुई है, पूरे देश के अंदर कोरोना फैला हुआ है, पूरे देश के अंदर लोग, कितने लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से, और राजस्थान के अंदर एक पार्टी एमएलए बेच रही है और दूसरी पार्टी एमएलए खरीद रही है, ये इनकी प्राथमिकता है। राजस्थान के अंदर एक पार्टी सरकार तोड़ रही है, दूसरी सरकार बचाने में लगी हुई है, ये इनकी प्राथमिकता है। इस वक्त जबकि देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं, केंद्र सरकार का फर्ज बनता था कि सारी पार्टियों को साथ लेके देश का एक साथ कोरोना का मुकाबला करें, एक साथ चाइना का मुकाबला करें, और ये आपस में बैठ के लड़ रहे हैं, तो देश की सुरक्षा कौन करेगा, देश लोगों को कौन बचाएगा, लोगों को कोरोना से कौन बचाएगा, ये आपस में बैठ के अगर जोड़ तोड़ का काम कर रहे हैं। तो राष्ट्र स्तर के ऊपर पक्ष की भी समस्या है, विपक्ष की भी समस्या है। जी कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी अपना घर एक साथ नहीं रख पा रही है, उनके एमएलए छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसे में केवल बीजेपी बचती है, विपक्ष कुछ है नहीं, तो बीजेपी को कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, काम क्यों करें जब ऐसे ही वोट मिल रहे हैं। तो